अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सईद मुग़ल अपने प्रोग्राम अवामी सोच के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा KPTV की ये कोशिश रही है कि जो दूर दराज इलाकों में टैलेंट मौजूद है उस टैलेंट को ढूंढना KPTV की एक खासी कोशिश होती है हमेशा की तरह। और लाहौर के इस पोश इलाके में जौहर टाउन में, अगर जौहर टाउन से आप आगे आएँ तो शादेवाल एक गाँव आता है, गाँव के अंदर भी टैलेंट मौजूद है और बड़ी मुश्किल से हमने ये टैलेंट को ढूँढा है। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं फोक सिंगर सदीक शहजादा साहब, और ये जौहर टाउन के बिल्कुल साथ जो है वो शादेवाल जो गांव है उसके अंदर उनकी रहायश है। तो आए हम बड़ी मुश्किल से ढूंढा, इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि वो रहते कहाँ पे हैं और उनका टैलेंट कितना जी है। जी नाज़रीन, आखिरकार KPTV ने ये जो अपना सर बेड़ा उठाया था उस बेड़े को उठाने में आज भी हम कामयाब हुए, क्योंकि यहाँ पे वो फनकार रहता है जो जिसकी तलाश थी हमें काफ़ी दिनों से, फोक सिंगर सदीक शहजादा साहब। ये उनकी हवेली है जिसके अंदर वो रहश पजीर हैं। आए उनसे जाके बात करते हैं कि वो यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं और क्या उनका मोटो क्या है, क्या गाते हैं, कैसे उन्होंने सीखा। जी ये उनका घर है सदीक शहजादा साहब का जो सिंगर है, और यहीं पे वो रहश पजीर हैं, यहीं पे वो सुना है कि गाने को सीखते भी हैं और यहीं पे दोस्त आते हैं जो बुकिंग करवाते हैं, फिर ये पूरे पाकिस्तान में जाके अपने फ़न का लोहा मनवाते हैं। और बड़ा जाना पहचाना ये नाम है, लेकिन ये एक बिल्कुल एक अलहदा साइड पर रहते हैं इसलिए वो मीडिया पर नहीं आ सके। तो आज मुलाकात करवाते, आए आपकी मुलाकात करवाते। आप देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में जिस तरह से हमारी जो सकाफत असल में होती थी वो यही होती थी, एक घर होता था मिट्टी का, उसका ये होता था बनाने का मकसद कि जो गर्मी है वो यहाँ पे महसूस नहीं होती। और दूसरा जो एक सिस्टम था कि ऊपर एक पर्दा सा लगता था, उसके ऊपर बर्तन सजाए जाते थे, और ये हमारा तारीखी वर्षा है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज है, ये घर की जो खवातीन होती हैं ये हफ्ते में एक आध दफ़ा इन बर्तनों को उतार कर फिर साफ़ करती हैं, फिर दोबारा लगाती हैं। एक तरतीब के साथ देखें किस तरह से वो डिज़ाइन किया हुआ उन्होंने और किस तरतीब से लगा हुआ है। और जो ये पेटियाँ हैं, पेटियाँ भी हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, क्योंकि इनमें मेहमानों के लिए भी बिस्तरे रखे जाते थे। जब कभी घर में मेहमान आते हैं तो इस पेटी को खोल के घर की जो खवातीन होती हैं वो कपड़े निकाल के, बिस्तरे निकाल के उनको बिस्तर करके देते हैं। मेहमान बड़े खुश होकर आराम गुजर अपना औकात करते हैं अपने मेहमान नवाजी के तौर पर। तो इसी कमरे में मौजूद हैं सदीक साहब, आए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तफसीलन पूछते हैं कि वो यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सदीक साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह, बड़े मुश्किल से आपको ढूंढा है और लेकिन आपने ढूंढ लिया आपको, कैसे? मेहरबानी सर। सदीक साहब कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? 30-40 साल। 30-40 साल से इसी कमरे में, इसी घर में आप रह रहे हैं जी। तो बचपन आपका हम ये कह सकते हैं कि इसी घर में गुजरा? हाँ जी, बचपन है। तो गाने का शौक कैसे बढ़ा आपको? मेरे एक भाई पहले गाता। अच्छा, पहले भी गाते हैं? हाँ, उस तो बाद फिर वो फौत हो गया, उस तो फिर दूसरा आया जी जी, वो भी फौत हो गया, मैं तीसरे नंबर से मैं शुरू किया, मैंने भी शौक लगा, मैं शुरू कर लिया। तो बकायदा तालीम हासिल की आपने उस्ताद से लिया, वैसे ही शौक? हाँ जी, उस्ताद सही साहब से। अच्छा, मेरा उस्ताद खाना जी। पूरा नाम क्या है सईद का? पूरा नाम क्या? मुनव्वर सईद। अच्छा, मुनव्वर सईद साहब जी, जी। अच्छा, आप उनके बकायदा शागिर्द हैं जी, जी। मुनव्वर साहब तो खैर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं और वो अल्लाह ताला उन्हें वाले के शागिर्द खास है, वो अच्छे ने तैसे भी उन्होंने बोल गए जी, उन्होंने मेहरबानी है सानू दस पुश कर रहे हैं। तो हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं आप? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे पाँच। पांच बच्चे हैं? तो वो बच्चा भी कुछ फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या नहीं? नहीं, बच्चे काम शाम करते हैं, पढ़ते हैं जी, जी जी। तो आप काम क्या करते हैं इसके अलावा, म्यूजिक के अलावा कोई काम नहीं? अच्छा, म्यूजिक का ही काम है सारा। तो गुजर औकात कैसी होती है घर की? बस बच्चे कर रहे हैं अपनी मेहनत मजदूरी, तो उन्होंने भी शौक है भी ठीक है, तुम्हारा शौक है तुम करो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि शौक या फिर प्रोफेशनली आप आए इस पर, ठीक है। तो किस सिंगर को अपना उस्ताद मानते हैं हम? रूहानी जो उस्ताद होता है ना, जैसे रफ़ी साहब है, मेहदी हसन साहब है, मैडम नूर जहाँ खवातीन की? नहीं, मैंने तो शौक अकरम राय ने सुनिया। अच्छा, उस तो मैंने शौक पैदा होया, उस तो बाद फिर उस्तादा ने मिला मैं जी, जी। मुनव्वर सईद साहब जी, जी जी, उन्होंने मेहरबानी हुई, उन्होंने मैंने दस्या पूछा तो मैं थोड़ा जहा अपना हिसाब किताब। अकरम राय साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी?
नहीं आई। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुलाकात करवाएं आपकी फिर किसी दिन। मेहरबानी ना, चलिए जी मुलाकात भी करवाएंगे आप। तो हारमोनियम किन से सीखा आपने? मुनव्वर सईद। अच्छा, मुनव्वर सईद साहब से सीखा आपने हारमोनियम। पूरा प्ले कर लेते हैं जी। तो क्या इरादा क्या रखते हैं आगे आने वाले वक्त में, आप क्या करना चाहते हैं म्यूजिक के हवाले से? सोच रहे हैं भी अच्छा हो जाए, असी आगे थोड़ा जा सकिए। यानी कि अभी मीडिया तक नहीं पहुंचे अभी? आपको पहले मेरा ख्याल इंटरव्यू है। हाँ जी जी, क्योंकि KPTV ने नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ये बेड़ा अपने सर उठाया है कि हमारा काम ये होता है कि हमने न्यू टैलेंट को ढूंढना होता है, मौसीकी के हवाले से हो, वेलफेयर के हवाले से हो, या कोई सामाजिक कारकुन हो, हमने उसका टैलेंट को ढूंढना होता है, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें उसने नुमाया कारकर्दगी हासिल की हो, या एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेते हैं उनकी भी तलाश होती है हमें। तो आज हमें क्या सुनाना चाहेंगे आप? सर जो तो कहो। चले अकरम राई साहब का कोई खूबसूरत गीत सुनाएं आप जी। व्यूवर्स देखें, अभी अकरम राई साहब को ये अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं, तो मैंने ज़ाती तौर पर, चूँकि अकरम राई साहब मेरे बड़े प्यारे और बड़े पुराने दोस्तों में दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत है मेरी उनके साथ, बड़ी कोऑर्डिनेशन रही, हमने बड़ा इकट्ठे काम किया, तो मैं चाहूँगा कि अकरम राई साहब का ही कोई खूबसूरत गीत सुना जाए जी। तेरे नाल गुजार दूं बरसारी, पूरे होए ना दिल विच शोक रह गए, जेड़े गल करके लज्जा पाल दे सं, राई किथे ने ओह जै लोग रह गए। प्यार दियां टहनियां तो फुल खुस गए, सानू जो मना दे सी ओ आप रुस गए। प्यार दियां टहनियां तो फुल खुस गए, सानू जो मना दे सी ओ आप रुस गए। दिला ओ दे बारे सोचना तू छड दे, वे आसा रखी सोने रब ते, टुटे दिलां दे इलाज नहीं होंदे वे सोने आवे इस जग ते। सानू खुशियां ते आसे देन वाला घर केड़े देश टुर गए, दिल देन दा सी वादा जिन्ने कीता ते दुखियां न होने दे गए। दिल देन दा सी वादा जिन्ना कीता ते दुखियां न होने दे गए। सानू उदों दियां नींदरां नी आंदियां जदों दे परदेस टुर गए। आपी फुल्लां वाली सेज ते तू सौ गया वे सोरिया तू सानू अग ते, टुटे दिलां दे इलाज नहीं होंदे वे सोने वे इस जग ते। वाह जी वाह सदीक साहब, क्या बात है, क्या बात है कि आपकी गायकी में वो अकरम राई साहब की जो झलक है, जो उनका अंदाज है, मैं शौक लग गया। बहुत शेजा, लेकिन जिसले मैंने शौक लग गया उस तो बाद मैं नहीं गाया। अब किसको गाते हैं ज्यादा, किसको गाते हैं? अपनी शायरी। अच्छा, कंपोजिशन भी आपकी अपनी है, शायरी भी आपकी अपनी है, और गाते भी खुद अपना। आ, मैं सुनाना चाहता हूं अंतरा का जी, हारमोनियम के साथ अगर सुनाए हमारे व्यूअर्स को तो जरा। याद आए बेवफा मैं रो पिया, मुंह चो निकली है दुआ मैं रो पिया। याद आए बेमाही आए अच्छा, जख्मी जुदा हो गए किसे दी लग नजर गई है, ए सारे घर आबाद हो गए मेरी दुनिया उजड़ गई है। अच्छा जख्मी जुदा हो गए किसे दी लग नजर गई है, ए सारे घर आबाद हो गए मेरी दुनिया उजड़ गई है। ओ, कर गया ऐसे वफा मैं रो पिया, मुँह चो निकली दुआ मैं रो पिया। बहुत खूब जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन देखा आपने कि एक सुरैकी जो गीत आजकल बड़ा सुपर हिट जा रहा है ज़ीशान रोकड़ी का,
उसके गीत को भी इन्होंने बड़ी महारत के साथ गाया। और मैं समझता हूँ कि हारमोनियम के साथ जो गाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि हारमोनियम के सुर और गले के सुर को यकसा जब आप लेके चलेंगे तो फिर वो एक सुर और एक राग और एक बोल जो उस पर निखार आता है वो बनता है। तो सदीक शहजादा साहब, नाज़रीन से पूछते हैं कि कौन कौन से मुल्कों में जाके परफॉर्म किया है जी? कभी दूसरे मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ? जी दुबई गया। दुबई गया जी? तो कैसा रहा वहाँ पे टूर आपका? बहुत अच्छा हुआ, पसंद किया लोगों ने। जी जी। तो यहाँ पे किस किस जगह पे प्रोग्राम किया? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गुजरात किया, अपना बावलपुर किया जी जी, बावल नगर किया जी जी, अपना मंडी बहाउद्दीन बावलदीन अच्छा उतर किया, चिश्तियाँ यानी पूरे पंजाब में। हाँ आपने काम किया है? हाँ, मुल्तान भी गए हैं, मुल्तान गुजरात भी गए हैं जी जी, बाकी लाहौर बीच में चलो। लोग पसंद करते हैं? हाँ जी माशाल्लाह करते हैं। दोड़ा माइया तो जो हमारी सकाफत का हिस्सा है ना, दोड़े माई के साथ जो फोक गाया जाता है तो बड़ा अच्छा होता है। जी जी। तो वैसे भी कहते हैं ना फोक के अंदर जो एक माइया होता है, जो माइया की पहली लाइन होती है वो बड़ी बेमकसद सी होती है, लेकिन दूसरी जो लाइन होती है वो बड़ी जानदार होती है, उसमें वो काफी अदीब और असल हकीकत जो होती है वो उसमें माशाल्लाह पसंद करते हैं लोग। अच्छा पसंद करते हैं। तो कभी जो हमारी दास्तान है जैसे सस्सी पुन्नू है, मिर्जा साहब है, इस तरह से भी कोई आपने? ये जी मैं गुजरात गया सा जी जी, टोल सम्मी मैं शुरू किए। अच्छा टोल सम्मी। ते मैं तकरीबन पूरी कीती खलासा, एंड हो गया सी जी जी। ते गुजरात शहर दे पांच सात बाबे इकट्ठे होके आए जी जी, वो जिस वक्त आए उन्होंने कहा मैं स्टेज तो थले आ गया, दूसरे की बारी आ गई जी जी, उन्होंने आन के पूछा जो ढोल सम्मी गाना से बंदा है। अच्छा। मैं दिल्ली तौर तो पर डर गया भी ये पता नहीं हूँ की करे तो वो डरते डरते क्या मैं जी मैं किया। अच्छा अच्छा। वो जो मैं खड़ा से उन्हें कहा चल भी तू साइड तो इन दोबारी यार ढोल सम्मी शुरू कर। अच्छा। उन्हें दोबारी यार माशाल्लाह सुनिया तो बहुत खूबसूरत निज़ाम बनया जी। नाज़रीन, ढोल सम्मी हमारा एक सकाफती हिस्सा है मौसीकी का, फोक का। तो मेरा ख्याल क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो शायद इसको ना जानती हो सम्मी ढोल क्या होता है, आए इनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो पता चलेगा सम्मी ढोल किसे कहते हैं। जी साई रूमो आन के तोता ते पौंदा ढोल लगे जल्ली, इत्थे बैरिया टोला तू पिछे खबर नहीं कली, तेरे बाप ने टोला गदा हुण शहर दी मल्ली, तेरी भैन सबराई ते काने चाड़ लई महली, तेरी माता वे कुंदा ते रो रो हो गई है चली, ओ ते मर गने दोवें कलम मौला दी चली, ओ ते मर गने दोवें मर गने दोवें उत्ते मर गए दोवें कलम मौला दी चली, वेखो वेखो नी सही नी टोला की जे करेंदा, वेखो नी सही वेखो वेखो नी सही टोला की जे करेंदा, कोला जूंदे आ नफरा तंग अपनी छकेंदा, आया पिछा सो याद ते हंजू पर पर रोंदा, एदा मर जावे तो तानी खबरां रूंदियां देंदा। वाह जी वाह जी। नाज़रीन सुना ढोल सम्मी, ये वो दास्तान है जो हाजी आलम लोहार साहब, आशिक जट साहब, अनसन भट्टी साहब, इमदाद साहब, तालब दर साहब, ये वो फनकार थे जो ये गाते थे जब ये पूरी पूरी रात, यानी कि सुबह की जो रात की तारीखी ख़त्म होती, सुबह की जो रोशनी आती थी तो पूरी रात, मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी सारी रात ये दास्तानें थी जो सुनाई जाती थी, लोग बैठ के सुना करते थे किससे कहानी है। तो ये आज के दौर में तो शायद ये मेरा ख्याल कोई भी गाने वाला नहीं है, चूँकि ये सदीक साहब गा रहे हैं, अगर इनको कोई ऐसी महफिल मिल जाती है तो फिर ये भी सारी सारी रात गाते हैं। ये इनका कहना है कि 7-8 घंटे मेरे लिए गाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये विदाउट साउंड भी गाते हैं और साउंड के ऊपर भी गाते हैं। जो आजकल के नौजवान फनकार हैं वो शायद साउंड सिस्टम और इको के बगैर ना गा सकें, लेकिन ये वो फनकार असल फनकार हैं, मौसीकी के असल रूह रवा ये लोग हैं जो विदाउट साउंड विदाउट इको ये पूरी पूरी रात गाने के लिए अपना फन बिखेरने के लिए माहिर होते हैं। तो सदीक साहब अब क्या इरादा रखते, आगे क्या इरादा आपका?
और यही इरादा भी इंशाल्लाह असी उस्तादा दी अपनी मुर्शिदां दी दुआवां नाल अल्लाह पाक दे हुक्म नाल असी अगे थोड़ा जा सकीए। कैसा लगा कि आज मैं आपके इंटरव्यू कर रहा हूँ केपी टीवी 909 के हवाले से? बख्तावार बंदे हैं असी, बख्तावार लग गए तुसी साडे कोल आ गए। बड़ी मुश्किल यहाँ तक पहुँचे सदीक साहब, बड़ा लोगों से पूछा। शुक्रिया तुहाडे इत्थे आने दा। तो अपने देखने वालों को पैगाम देना चाहें? अगर देखने वाले को पैगाम यही दे रहे हैं कि सानू लाइक कर, अच्छा सानू सुन, सानू लाइक कर बस। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि फोक सिंगर सदीक शहजादा साहब, उन्होंने हमें कुछ गीत भी सुनाए। वो कैसे इस फील्ड में आए, कितने अरसे से आए आपने देखा, और आपने गाने भी इनके सुने हैं। और ये देखिए मज़े की बात ये है कि जो उनका इरादा है, वो कहते हैं कि मैं आगे बहुत काम करना चाहता हूँ, और ये शुक्रिया भी अदा करना चाह रहे हैं। और इनका जो मैसेज है वो आपने सुन लिया है। इनका ये कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इनको जो हमारे जो चैनल है केपी टीवी, इसके बेल आइटम को प्रेस करें, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही फनकारों से आप लोगों की हम मुलाकात करवाते रहें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए फनकार के साथ आप दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सईद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।